नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को होता है, आरपी प्रिटेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं भेजता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इन भाई का ज़रूर एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना है और शेयर ज़रूर करना है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा, कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस अर्थ आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है। और यदि आप लोग MCG एकेडमी का कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम फ़ोनपे अकाउंट नंबर मिल जाएगा। ओके, और धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, हर वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर 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 सुनिए। बेटा हाँ नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर, आपका जो RPF का ट्रेड टेस्ट हो गया। हाँ जी सर, हो गया। आप सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बताइए सर, हर चीज़ पर एक्सप्लेन करना कि बच्चों के मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। सर बताइए सर, किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं सर? जी, मेरा टेस्ट किया अपने दिल्ली था। हाँ, साइड हो गया। तो कल था, मैं 5 बजे गया सर। हाँ, 5 बजे गया, लगभग 6 बजे सर मैं डायरेक्ट हो गई सर। हाँ, फिर हम बाहर, पहले बाहर बच्चे बैठे थे, फिर मैं इधर चाय पानी पी, उन्होंने जो आटा लगाने की प्रक्रिया थी 1 मिनट का टाइम, तो आपने पहले अपने वीडियो में बताया था जो क्योंकि आपके चैनल से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अगर आपकी वीडियो में नहीं देखता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता सर। जो जैसे जैसे बच्चों ने बताया कि हम डिस्क्वालीफाई हुए किस कारण से हुए, और जिन बच्चों ने बताया कि हम क्वालीफाई हुए किस कारण से हुए, उन सभी ने मतलब मैं उन सभी का दिल से वापस करना चाहता हूँ। और आपका तो मैं सबसे बहुत बड़ा नहीं है सर, आपका आपकी वजह से मेरा क्वालीफाई हुआ सर। आप तो सर ये बताइए किस प्रकार से वहाँ पर क्या क्या हुआ सर, मेरी तो ये समझ नहीं आता आपका हुआ है सर। बहुत सारे बच्चों का होता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का होता है, लेकिन बच्चे पता नहीं, बहुत कम बच्चे क्यों एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हर दिन मुश्किल से 10 से 15 एक्सपीरियंस, 20 एक्सपीरियंस ही आ पाते हैं, और मेरे हिसाब से लगभग दिन में 50 एक्सपीरियंस तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर दिन 1500 लोगों का होता है, कम से कम 50 लोग सर बच्चों को लगभग शेयर करना चाहिए। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो तो क्वालीफाई, उनको अपना बताना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ और ऐसे ऐसे होगा। हाँ, कुछ ना कुछ देखो, सर मैं आपको ये काम करने में इससे बहुत प्रभावित हुआ, आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया। थैंक यू सर। मैं सर ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बैंक में 25 मिनट मिले थे, लगभग 500 समथिंग स्टूडेंट आए थे, मेरा 14 नंबर का बैच था। और फिर 1 दिन के अंदर वाटा लगाने की प्रक्रिया थी वो, क्योंकि आपकी मैंने वीडियो पहले से देखी थी और मैं यहाँ प्रैक्टिस करके गया था, लगभग आपकी वीडियो मतलब 1 महीने से देख रहा हूँ, हर वीडियो आपकी देख रहा हूँ। और मैंने जो प्रैक्टिस थी मैंने लगभग 45 सेकंड में लगा दिया, और सबसे बेस्ट मेरा ही आता था, अच्छा लग गया था, फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो गया। फिर वो हर बैच में हर बैच में से दो लड़के हर बैच में फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए आया, तो इन्होंने अपर के वो सेकंड राउंड में आने के लिए गुनवाते हैं सर। फर्स्ट राउंड में जैसे कि आपसे आटा गुनवाया गया था ना? हाँ जी सर, फर्स्ट राउंड यहाँ पर आटा के हो रहे हैं, जो लड़के इधर के अपने उत्तराखंड या इधर केरल के जो साउथ साइड के, उनका फर्स्ट राउंड में ये एक प्याज और एक आलू। तो सर आप आटे के बारे में बताइए सर, कैसे क्या आटा गूंदना है, क्योंकि मैंने तो वीडियो बना दी, फिर भी आप एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे मतलब गूंदना है जिससे बच्चों का हो जाए। सर आपके चैनल पर जो आटा गूंदने की बच्चों ने वीडियो डाल रखी है ना, सेम वही प्रक्रिया सर, कोई अलग नहीं करना, बच्चे को ये है कि उसकी प्रैक्टिस करे, बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो नहीं होगा, मतलब आप जैसे वाली वीडियो देख लिया आपने, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका नहीं होगा।
बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं, पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो पानी आटा इतना कम देते हैं कि जैसे अपने ये जो चाय पीते हैं ना कप होता उतना आटा देते हैं। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं कि 100 ग्राम देते हैं, 150 ग्राम इतना ही एक कप आटा देते हैं, मतलब एक मुट्ठी आटा देते हैं अपने को। ठीक है, उस आटे से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालने में होता है। आप जैसे उन बच्चों ने आपको वीडियो भेजी थी बना के, वही प्रक्रिया सर। बिल्कुल सर, आप सर घर पहुंच गए सर। उसकी प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस लगभग उसको 10-15 बार टाइमिंग कोडिंग करता है तो सब काम क्वालिटी हो जाता है। सर आप घर पहुंच गए? हाँ जी सर, मैं यहाँ जयपुर रूम लेके रहता हूँ, नर्सरी करता हूँ। सर, आप भी सर अपना जो है एक वीडियो भेजना चाहोगे कोई भी, मतलब किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपने जिस किसी का भी अध्ययन भेजना चाहो भाइयों के लिए कुछ? हाँ जी सर, मैं कोई भी क्षेत्र में आपको भेजूंगा वीडियो, लेकिन पहले आपके वो जैसे बच्चों ने भेज रखे हैं जैसी होगी, कोई अलग डिफरेंस होगा। चलो मैं आप भेज देता हूँ आपको। ओके सर, कोशिश करना, मतलब यदि भेज सको तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करूंगा सर मैं किसी भी चीज़ के लिए। और सर जैसे कि मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ सर, लगातार सर बच्चों से वीडियो बनाने के माध्यम से बोल रहा हूँ, यदि कोई कुछ डोनेशन देना चाहे तो भी दे सकता है। तो सर ऐसी बात नहीं, बच्चे डोनेशन भी लगातार दे रहे हैं, जितने भी बच्चों ने दिया उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि थोड़ा आपने MCG अकेडमी के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई। कि सर मैं बोलना चाहूँगा, आज सुबह सुबह एक भाई ने 1000 रुपये सेंड किए, उनका क्लियर हो गया था, और एक और बच्चे ने 501 रुपये, मतलब 1 रुपये भी बच्चे पेटीएम फोन पे के माध्यम से भेजते हैं। तो सर आप भी कुछ जो है डोनेशन करना चाहोगे सर? हाँ जी सर, मैं जो कुछ होगा वो आपको मैं कर दूंगा। ओके सर, आप कितना करना चाहोगे, जिससे मतलब आपको इतने बस सारे बच्चे सुन रहे हैं तो आप मतलब आपका शुभ नाम बोलिए सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम कुमार कटारिया। और सर आप कितना रुपये डोनेट करना चाहते हो? मैं सर कोई फोर्स नहीं है सर, आप 1 रुपये भी कर सकते हो, और आप 100 रुपये एक भी सर कर दूंगा मैं आपको फोन पे कर दूंगा, जो जितना मेरे से होगा। मैं क्यों नहीं करना चाहता कि मैं आपको 2 रुपये दूंगा या 10 रुपये दूंगा या 1 रुपये, जितना मेरे से होगा मैं आपको। बिल्कुल सर, मतलब सर आप बोलना नहीं चाहते बच्चों के सामने? नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता कि मैंने जो दिए है 500 दिए, 1000 दिए या 1 रुपये दिए, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं जितना भी आपको दूंगा वो फोन पे कर दूंगा। कोई नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेरे दिल से जितना होगा मैं, क्योंकि मैं सर आपका मतलब इस चैनल का अगर आपने वीडियो डाली बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया उसी कारण हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि 1 मिनट में आता तो मैं नहीं लगा पाता। तो मैंने आपकी वीडियो सुनी, इसने देखा और यहाँ पर प्रैक्टिस की, सब मेरा हो गया है। थैंक यू सर, इसके लिए मुझे इसी बात के लिए खुशी है कि आपका हो गया सर। आप कंटिन्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और सर यदि आप करना चाहो तो ही करना, मैं किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब पहले बंदे ने जिस दिन मुझे अनाउंसमेंट किया था कि सर मैं आपको 1000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ, उसने बिल्कुल खुशी खुशी और डोनेट भी किए, तो बहुत अच्छा लगा। और उन भाई का नाम भी मैं बताना चाहूँगा, विनोद जी हैं, विनोद जी करके हैं, तो उन्होंने जो है 1000 रुपये डोनेट किए थे MCG अकेडमी को, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है सर। आप भी ऐसा घोषणा किए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप भाई सर स्टूडेंट का बहुत मार्गदर्शन जिन्होंने आपको ये डोनेट किए, मैं भी उसका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अभी सभी कुछ ना कुछ करते हैं तो उससे बेनिफिट मिलता है सभी को। सर आप ये जो चैनल चलाने ये आप टाइम देते हैं, ये बहुत ही भी टाइम अपना दे रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं बच्चों का, और फिर उनको आगे अपलोड करना, उसमें कोई एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना बहुत मेहनत लगती है सर। सर टाइम भी लगता है और खर्च भी सर, ऐसी बात नहीं खर्च नहीं होता है सर, नेट वेट खर्च तो होता है, लेकिन मैंने आज तक सर जानते हैं सर सब कुछ खर्च होता है, इसीलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपको आगे कंटिन्यू बताना चाहता हूँ, फर्स्ट राउंड के लिए मेरा आटा लगाने के लिए हो गया, सेकंड राउंड के लिए लगभग हमें लगभग 70 बच्चे उन्होंने फर्स्ट राउंड में पास कर दिए थे। फिर वो उन्होंने बोला कि जो बच्चे आमलेट बनाना चाहते हैं वो अलग अलग बैठ जाएंगे, जो रोटी बनाना चाहते हैं वो अलग हो गए, अलग अलग हो गए। लगभग 40 बच्चे समथिंग या 30 बच्चे समथिंग आमलेट बनाने वाले हो गए। उन्होंने बोल दिया हम तो ऐसे अलग कर रहे हैं, वो आगे ऑफिसर के मूड पे है कि वो आपके आमलेट बनवाए, रोटी बनवाए, जो वही कराए वो उनके मूड पे, क्योंकि सर एक अफसर देखते हैं क्या अफसर है उनके आगे आपको आम निकलना आता है या नहीं आता, आप खाना बना लेते हो, आप ऊपर करो जिनको खाना नहीं बनाना आता,
जिनको बनाना था वो हाथ तय करो। अब जैसे कहता है कि मुझे आमलेट नहीं बनानी आती, तो उसको बोलते हैं आपको क्यों नहीं आती, क्या लेने आए आप। उसने थोड़ा सर बच्चे का वो उनसे करता है कि इसको आता ही नहीं, हम क्यों ले इसको। ऐसे मतलब अगर वो बोल देते आपको आमलेट नहीं बनानी आती, अगर आपको आती है तो भी बोलते नहीं आती तो बोलते आती है, अगर आप वो किचन में बनाओ तो बनाने का आपको वैसे पड़ेगी कि आपको आते हो कि ना आते हो। अब हम गए, अब मेरा सेकंड राउंड में वो चार नंबर जैसे आया था जिसमें हम ये, और फर्स्ट राउंड में मेरे से पहले जो तीन राउंड था उसके अंदर जो पहले सबसे पहले आमलेट बनाए थे सबसे सभी से, तो उसके बाद सेकंड राउंड में उसमें सभी से रोटी बनवाई थी। हमारे राउंड में भी उन्होंने रोटी बनाई, क्योंकि जो जिस राउंड में उससे पहले जो राउंड था तीसरा उसमें एक ही छोटा परिवार हुआ था, और बाकी बच्चों की वो रोटी अच्छी नहीं थी क्योंकि किसी की गोल नहीं थी कि ज्यादा रोटी। लगभग सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों की ये रहती थी, दो रोटी बच्चा बना तो देता है लेकिन वो दोनों पूरी तरह से पक नहीं पाती, या फिर तोए के रह जाती है या एक बनती है एक बनती नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। टाइमिंग प्रॉब्लम थी और लगभग ले लेती है बच्चों को। हमने हम सभी 10 स्टूडेंट से पूछा कि आपको रोटी किस चीज को बनानी आती है, हाथ ऊपर करो। तो सभी ने किया, हमें सभी को आती है कि अच्छे से रोटी कौन बना लेता है ये बताओ, तो हाथ ऊपर करो जो अच्छे से रोटी बना सकता है। तो सभी ने हाथ ऊपर कर दिया कि हमें अच्छे से आती है। फिर उसने बोला कि इन सभी को आटा दो, हमें आटा दे दिया गया। तो जो पहले आटा दिया गया था एक कप इतना आटा दे दिया गया, और हमारे बैंक में उन्होंने पहले वो बोलते हैं कि आप अपना सामान देख लो पास में पड़ा है या नहीं पड़ा जो भी आपको चाहिए। हमारे राउंड में क्या हुआ, उन्होंने बोला मतलब आटा डाला तो जी की मतलब स्टार्ट है, हमने हाथ दिया थोड़ा सा आटा निकाला रोटी देने के लिए, थोड़ा सा आटा निकाला और आटा लगाया और हाथ साफ किया, और आटा लगाने से पहले हमने गैस ऑन कर दिया था ताकि तवा गर्म हो गए। फिर हमने रोटी बेली, दो रोटी बेल के पहली रोटी तो सर इतनी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि वो थोड़ी जल गई, क्योंकि दूसरी रोटी में ध्यान था इसलिए पहली रोटी थोड़ी जल गई, ज्यादा नहीं थोड़ी जल गई, और गोल थी रोटी। दूसरी रोटी अच्छी नहीं थी, थोड़ी खुली थी और ठीक था, वो ठीक कराया और मेरा लगभग 5 मिनट से लगभग 25 सेकंड पहले ही हो गया था, और थोड़ा सा आटा बच गया था। वो बोलते हैं दो रोटी बनाओ से कैसे बनाओ, अब ये बच्चे कहते हैं जो जितना आटा होता है उससे थोड़ी आटा थोड़ा ज्यादा होता है रोटी, क्योंकि एकदम दो रोटी बनाते हैं तो ज्यादा मोटी रोटी बनती है। अगर आप थोड़ा सा आटा उसमें से बच जाता है तो सही रोटी बनती है, पतली पतली जैसे अपने वो कहते हैं जितनी अपनी पूरी नहीं होती जैसे पूरी खाते हैं अपनी रोटी, इस टाइप की रोटी होनी चाहिए, पर गोल होने तो उसका हो जाएगा। तो उन्होंने देखा रोटी मेरी बेची ठीक है, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे कर दिया कि इसको पीछे करो, फिर मुझे पीछे ले लिया गया, और हमारे बेंच में से उसने 3 लड़कों को लिया था और बाकी चले गए। फिर हमें वहाँ से नाम नोट किया वहाँ पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ अब सर जैसे कि सेकंड आपने क्या किया सर, आप जी बताइए, आपने आमलेट बनाई या मतलब रोटी? सर मैंने रोटी बनाई थी। अब रोटी बनाई थी, कितना टाइम दिया गया था सर आपको? मुझे सर 5 मिनट मिले थे। जैसा कि आपने ऑलरेडी वीडियो में देख रखा होगा कि 5 मिनट में अपन को दोबारा भी आटा गूंदना है ना। हाँ 5 मिनट में ऑलरेडी वीडियो में देख रखा था, तो 5 मिनट का वो सब कुछ था, तो फिर मैंने तुरंत होते वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले ले गए ऊपर ले गए वहाँ। फिर उन्होंने जो जो छोटे होते हैं सभी इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने हमारी फाइल बनाई, उसमें एक एक फोटो कॉपी जीरो डॉक्यूमेंट के वो लगाई और फाइल बना दी, जिसके अंदर अपने जैसे एक तो 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, और एक आपको अगर SC ST से तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी इससे ज्यादा जैसे ग्रेजुएशन कर रखा तो उसकी सर्टिफिकेट लगा दो, उसके बाद अपनी फाइल बन जाती है, उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट दिखाती है ओरिजिनल, उन्होंने फाइल बना दी, फिर उन्होंने वेरीफाई कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि बाहर वेट करो। फिर हम लगभग 11:30 बाहर आ गए, उन्होंने बोला कि आप लेंगे तो अगर अब तक फ्री होती है तो वो आपको अभी फ्री कर देंगे, क्योंकि वो साइन करके चेक करेंगे आपको फिर से देखेंगे डॉक्यूमेंट। फिर उन्होंने फिर हमें लगभग 3 बजे उन्होंने फिर वापस बुलाया, जो अफसर पहले जो ट्रैकर दे रहे थे
वो इस पर आए थे, उन्होंने फिर एक एक डॉक्यूमेंट हमारा देखा, वो फिर पास कर दिया, जो वेरीफाई करके प्लान कर दिए। हाँ ठीक है, फिर हम किया है, फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे उनको उन्होंने स्कैन कर दिया था, उसमें दो फोटो और एक 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट और एक जो मैंने ग्रेजुएशन रही मैं बीकॉम हूँ तो बीकॉम की मार्कशीट और एक मेरा स्टाफ सर्टिफिकेट, मैं एच सी टास्क हूँ तो मेरा स्टाफ सर्टिफिकेट। और एक बात बताना चाहूंगा सर, जो ओबीसी से है वो बच्चे ध्यान दें, उनका मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो जो अपनी जो वैकेंसी इससे पुराना नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए ओबीसी वालों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो अब जैसे जिनका 25 तक है तो वो बोलते 25 तक आप सबमिट करो, अगर 25 के बाद अगर सबमिट नहीं करो तो यहाँ स्टाफ है ना जो दिल्ली के अंदर आया हुआ है वो सिकंदराबाद का स्टाफ है जो ये रेसेंट लेने के लिए आया हुआ है, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए वो बोले 25 तारीख तक आप ये डॉक्यूमेंट जो भी आपका रहता है सबमिट करना होगा आपको। और फिर हमारा वो उन्होंने स्कैन किए, फिर हमें बाहर देखने के लिए बोल दिया गया, फिर सभी के जो स्कैन होंगे फिर हमने बोल दिया कि आप जा सकते हो, अब आपकी एनालिस्ट लगेगी, उसके बाद इसमें अगर आपका नाम आया उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब आपके जितने क्वेश्चन थे लगभग 3 गुना स्टूडेंट पास हो गए हैं, हमने पूछा था सर कितने पास हो रहे हैं, जितने आपके क्वेश्चन के 3 गुना 3.5 गुना स्टूडेंट पास कर रहे हैं, उसके बाद फाइनलिस्ट लगेगी, उसके बाद उसके अंदर अगर नाम आता है तो आपका मेडिकल होता है। ये था सर आप। बिल्कुल सर, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। अब आप ये बताइए, आप जो है बच्चों से कुछ ऐसा कहना चाहते हो, कुछ मोटिवेशनल जिससे बच्चों को थोड़ा हौसला मिले? बच्चों को मोटिवेशन सर यही है कि बस आप अगर कैसे कर लेते हैं घर पे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, अगर वहाँ अगर आप घबरा जाते हो मोस्टली बच्चे घबराते हैं, क्योंकि एक मिनट में अब कई बच्चों ने तो समय नहीं रखा था कि मतलब एक मिनट में सक्सेस हो ही नहीं सकता। अब दो अपने मुझे दो एक लड़का और मिला था जो भी आपकी वीडियो देखता था, तो पता था कि और कई बच्चों में भी मिले थे, वो उनको नहीं पता कि यार ऐसा फिर एक मिनट में नहीं होगा, मतलब आता ही थोड़ा सा वैसे मतलब ये बातों की सीख जाएगा, मैंने इसको बता रहा गया प्रैक्टिस किया तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी थी, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका नो डाउट हो जाता है, अंदर ले लेते हैं आपको तो आता देखते हैं मतलब आपका मुलायम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा पानी ज्यादा मतलब होगा या नहीं होगा, वो बोल रहे हैं अगर वो भी थोड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं कि मतलब अगर हमें तो मक्खन मक्खन देना है तो हम फास्ट का क्या करें, इतने ज्यादा स्टूडेंट हमें तो मक्खन मक्खन देना है, और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका नहीं होता तो और ट्राई करो, मतलब ये नहीं कि आप मतलब इसमें आपके इसमें वो आपको और भर्ती आई है जैसे रेलवे के उनके लिए करो, एनसीसी के लिए करो, मतलब ये सब ओके सर। सर जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सर जो भी आप डोनेशन देना चाहो कोशिश करना कि मतलब जल्द से जल्द जो है आप हम तक पहुँचा सको, क्योंकि इसकी सर हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम हर वीडियो में ऐड करते हैं, कि मतलब अभी क्या है एक ही भाई हैं जिनका मैं नाम आपको बता चुका हूँ और उन्हीं का है फर्स्ट डोनेशन, और आज सुबह सुबह एक भाई ने और शेयर किया है तो उनका भी मैं लिस्ट में जोड़ने वाला हूँ। और आप जो भी से मतलब मैं किसी भी बच्चे से, मुझे हजारों बच्चे सुन रहे होंगे, सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं किसी को बस बस मैं किसी को कोई फोर्स नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ अगर कोई बच्चा कोई और सर कोई भी मतलब फ्रॉडबाजी भी नहीं है, सब कुछ आप लोगों के लिए रेगुलर एक्सप्लेन। बिल्कुल सर, आपकी कोई बच्चे जैसे कि नीचे कमेंट करते हैं कि चेक होना, बिल्कुल सर आपकी जो आपने पिछले बच्चों ने बोला कि ऐसे हो रहा है क्या होता है वैसा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सर इसकी पहले मैं तो आपको ये जो चैनल की जो वापसी हो गई ली थी मैंने मतलब बच्चों के सर तो मैं जहाँ जो वापसी हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरा मोबाइल लिया उन्होंने डिलीट कर दी थी, मतलब ये बार में चेंज नहीं सकते आपको कुछ वहाँ जो जो वहाँ पर वो टेबल रखी हुई है ना
और डिलीट कर दी उसको ना। हाँ जी, अब वो आती है थोड़े से लोकेशन पे है, लेकिन वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा। मैं ये कह सकता हूँ सर, यदि बच्चे यदि इस प्रकार से जो है नहीं करेंगे खुद से, यदि मैं खुद से बोल रहा हूँ, यदि मैं इस पहल को शुरू नहीं करता तो बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाता। बहुत कम बच्चों का, तो बच्चे का जैसे कोई क्वेश्चन है तो मैं उनका क्लियर कर सकता हूँ, पर जो भी कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी मेरे से रह गया है तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं। बिल्कुल सर, आपने इस तरीके से एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बच्चों को शायद ही किसी क्वेश्चन की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे दो तीन जो क्वेश्चन है हमारे नॉर्मल ये बता दीजिए कि मतलब जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस किस प्रकार के हैं, मतलब किस किस प्रकार के सामान जैसे कि गैस वगैरह है तो क्या रहता है उन्होंने, मतलब बर्नर रहता है और छोटे वाला जो अपने घर पे चिंता यूज करते हैं ये चिंता है, और ये जो चलन लकड़ी की है, और जो वो जो चकला रोटी बेलने के लिए वो भी इसका लकड़ी का ही है सर, और जो पास रहता है, और अपने जो आटा लगाने के लिए सर वो थाली देते हैं। हाँ, ये आटा लगाने के लिए थाली देते हैं रात में, जैसे बड़ी अपने साथ रुमाल या टुकड़ा लेके जाए थाली देने के बाद पहुंचने के लिए, थाली सुखाने के लिए, अगर वहां अगर तुरंत थाली धोने के बाद तुरंत आटा डाल देते हैं वो, तो बस यही सब चीजें तो है। यदि बच्चे वीडियो कंटिन्यू नहीं देखेंगे, मेरा सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज वीडियो को, हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर वीडियो को। हर वीडियो को सर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इतना कुछ रह जाता है, तो जैसे अब मैंने बताया कि मैं साथ में आपके वीडियो से मुझे पता लगा कि साथ में रुमाल लेके जाना है, काफी बच्चों ने बताया कि रुमाल लेके जाते हो तो आपका वो थाली पहुंचने के लिए आपके काम आता है, खाली फिर जाते उसमें आटा लाते नहीं है सामने देती है। ओके सर, और सर जो कई बच्चे बोल रहे हैं कि पैदल के कोने पर खड़े हैं और बीच में खड़े हो, उसका कुछ नहीं है सर, वो हर बच्चे का अच्छे से देखते हैं, अगर जिस बच्चे ने बेस्ट किया है उसे लेंगे, ऐसा नहीं कि आपसे बात करते हैं, हर बच्चे का देखते हैं क्या वहाँ सर राम बढ़िया से अच्छे से देखते हैं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो जाए, किसी को अच्छा हो हमने उसको बाहर कर दिया, ऐसा नहीं हो, सभी साथ देखते हैं, चारों देखते हैं, अगर एक ने अगर उसे अगर डिसक्वालीफाई कर दिया तो दूसरा सर देखते हैं कि क्या कमी रहेगी, जीतते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई हुआ है, चारों अच्छे से डिस्कस कर कर फिर बच्चे को डिस्क्वालीफाई करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपने जो किया उसने देखा नहीं हुआ चलो बात नहीं, आपका पूरा बारीकी से देखा जाएगा कि आपने बताएंगे आपकी कमी कहाँ रहेगी थी, वो बताते हैं कि आपकी किस कमी के कारण आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जैसे रोटी कच्ची रहती थी तो बता रहे हैं ये रोटी यहाँ से कच्ची आपकी कच्ची नहीं, अब एक बच्चा एक रोटी सस्ता था एक रह जाती थी आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, एक रोटी आप देखा है अच्छी एक अच्छी सोची आपने, अगर एक और सही देते तो आपको हो जाता, जैसे वो बताते हैं कि मतलब आप इस कारण से इस बच्चे का इस कारण से हुआ क्योंकि इसने देखो अच्छी रोटी सस्ती है सामने बता देते हैं देखो, तो बच्चे को ऐसे होता है कि हाँ भी ठीक है मुझे संतोष मेरे से इसका बेटर है, ऐसा भी है मतलब। हाँ ऐसा भी है मतलब अक्सर अच्छे हैं सब अच्छे हैं। बिल्कुल सर, और कुछ सर? नहीं सर, आपने इतना सब कुछ बता दिया है कि आई होप कोई भी बच्चों का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा हो, क्योंकि आपने इतने फुल टाइम एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो एमसीजी एकेडमी की सराहना की है, और मेरे जितने भी भाई हैं यदि आप लोग भी थोड़ा सा भी एमसीजी एकेडमी को सपोर्ट करना चाहते हो, सपोर्ट सर इस बात के लिए मैं बच्चों से बोल रहा हूँ कि हम क्या है सर लाइव क्लासेस लाने वाले हैं, और अभी मैंने कोशिश की तो उसका सेटअप बहुत ही मतलब बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, इस कारण से कोई भी सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी,
आप लोग जो कुछ भी डोनेशन देना चाहते हो, क्योंकि सर कंपटीशन की क्लास है आरआरबी की और जो है सीटीईटी की चल रही है अभी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी अभी भी हम जारी हैं। लेकिन यदि जो है पूरा जो है सामान आ जाता है बच्चों के सहयोग से ही, तो जो है हम जल्द से जल्द कॉम्पिटिशन की क्लासें बड़े स्तर पर जो है लेकर के आने वाले हैं। ओके, तो लगातार बच्चों से मैंने आपको ये इतना शेयर किया, जैसे मान लीजिए मेरे आगे जैसे मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है, जैसे मैं एग्जाम देके आया तो मैं बता दूँ एग्जाम में ये ऐसा एग्जाम आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब जैसे आगे ग्रुप बी का एग्जाम होने वाला है, तो बताओ उसमें जैसे अब आपके चैनल से लगभग 8,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको सभी को मतलब जैसे मान लीजिए सभी का एग्जाम सभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आज आज किसी का जैसे मान लीजिए एग्जाम है तो उसने बता दिया मैं एग्जाम देने गया, पूछा गया था। बिल्कुल, सभी बच्चों को फायदा होता है, ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ पर सब बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सभी बच्चे। हाँ जी सर, मैं तो बोलता हूँ कि स्टूडेंट के लिए सबसे भी बेस्ट है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है इस प्रकार से बच्चों के लिए बहुत ही सराहना व्यक्त की है, और धन्यवाद सर। आप जो कुछ भी देना चाहो, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप अपने मन में कोई गिलानी नहीं रखना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स जो कोई भी आप देना चाहो आप अपने स्वेच्छानुसार दे सकते हो, और आपने अपना एक्सपीरियंस दिया इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। ओके, और सर यही मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है सर, इसी नंबर पर आप अपना एक फ़ोटो ज़रूर 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 अभी भेज दीजिए सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम, जय हिंद सर, और जो कुछ भी